বিশেরগড় ছিন্নমস্ত্রা মন্দিরে পুজো দিলেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্তা পাল। আসানসোল লোকসভার উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের মহিলা বিজেপির সভানেত্রী অগ্নিমিত্তা পালকে রবিবার সন্ধ্যায় কুলটি বিধানসভায় দিশেরগড়ের ছিন্নমস্ত্রা কালী মন্দিরে পুজো করার পর কুলটির একাধিক জায়গায় নির্বাচন প্রচারে নামলেন বিজেপির প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কুলটি বিধায়ক ডাক্তার অজয় পোদ্দার, বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, এলাকার কাউন্সিলর অমিত টুসিয়ান, কুলটি মন্ডল তিন ও চারের সভাপতি সত্যজিৎ দাস, অমিত গোড়ায়, অভিজিৎ আচার্য সহ অনেকে। बार क्या आशा कर रहे हैं? इस बार भी वही भरोसा जो है वही रखेंगे वो लोग। और डॉक्टर बाबू है, हमारे भाई पापा है, हमारे बहन है इंद्रानी जी, और हमारे दो काउंसिलर है, भाई गोविंदो और सुशांतो, और सारे हमारे कार्यकर्ता भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत एक्साइटेड है। और कुर्टी से तो सबसे ज्यादा लीड मिलेगा ना डॉक्टर बाबू, सबसे ज्यादा लीड मिलेगा। बिहार लगेगा, क्या लगता है आपको? वो जो आ रहे जिस पार्टी के तरफ से वो खड़े हुए हैं, उस पार्टी के विधायक मनोरंजन व्यापारी वो बिहारी लोग के बिहारी भाई के बारे में क्या गंदी बात बोल रहे हैं, वो सुरेंद्र सिन्हा जी को बोलेंगे बस सुनने के लिए, तो उनका शायद थोड़ा शांति आएगा वो सुन के जो खराब शब्द यूज किए हैं। क्योंकि हमारे दल, हमारे पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कभी हम लोग को ये जो धर्म जात पात कम्युनिटी लेकर जो राजनीति है हम लोग को कभी करने सिखाए नहीं। हम लोग शत्रुघ्न सिंह को स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको राजनीति का जो लड़ाई है उसमें एक चुनते जगह भी उनको नहीं मिलेगा। वो आइए इधर में मंदिर दर्शन कीजिए, हमारे घाघर बुढ़ी मंदिर जाइए, लमास पार्क जाइए, दामोदर में वोटिंग करिए, और 12 तारीख को हम खामोश बोलते उनको विदाई कर देंगे। तो ये जीत तो हो गई, क्योंकि आज अधर्म का जो धर्म और अधर्म का जो लड़ाई चल रही है उसमें ये जीत होना बहुत आवश्यक है। आज जो अत्याचार, जो अनाचार जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इसका विनाश होना बहुत जरूरी है, और इसका जो विजय है वो यहाँ से शुरू होगा, और सारे पश्चिम बंगाल में आसनसोल से शुरू होकर सारे पश्चिम बंगाल में जाएगा, और 24 में जाके वो खत्म होगा। दीदी आपने अगर हम लोग सेंट्रल फोर्स को फोर्स का मांग किए हैं, अगर सेंट्रल फोर्स आता है तो सही इलेक्शन होगा, और सेंट्रल फोर्स अगर नहीं आता है, अगर राज्य पुलिस करता है तो वोट नहीं होगा। जैसे आप देखे हैं विधानसभा इलेक्शन के बाद जितना भी इलेक्शन हुआ है वोट नहीं हुआ है, हमारे जो साधारण जो लोग हैं उनको वोट दी करना, चीटिंग करना, खून करना, भय दिखाना, ये उन लोग का पीएचडी है। तो
वो लोग वैसे ही करेंगे इस बार। लेकिन अगर सेंट्रल फोर्स आता है और अगर अच्छा माहौल होता है कि डर ना करके वो लोग साधारण मनुष्य जा सकते हैं, ईवीएम बॉक्स में वोट दे सकते हैं, तो जरूर से हम लोग जीतेंगे। आसनसोल थेके सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला।